दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपडील एप्लीकेशन में आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी स्नैपडील से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करा और गाइस अगर आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्नैपडील एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर सिंपली प्रोफाइल आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको माय ऑर्डर पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्नैपडील से जितने भी ऑर्डर करे वो सभी ऑर्डर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और दोस्तों आप जिस भी ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हो सिंपली आपको उस ऑर्डर पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप ऑर्डर पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको जो है कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फिर से कैंसिल ऑर्डर पर आपको जो है क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करोगे इसके बाद आपका जो है ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना ऑर्डर को कैंसिल करने का रीजन सेलेक्ट करना होगा, किस रीजन की वजह से आप जो है इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कन्फर्म कैंसिल पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपकी जो है ऑर्डर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड हो जाएगी और गाइस कुछ ही टाइम में आपका जो है ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैपडील की ओर से मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो है यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है स्नैपडील के ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।